स्वागत है भाई लोगों आपका एक और नई वीडियो में। तो इस वक्त सबको जैसा पता है कि मैं इस वक्त गांव में हूँ, अपने गांव आया हूँ और तो गांव में घूम रहा हूँ। तो इधर मधुमक्खी का वो क्रेट रखे हुए हैं, उनमें मधुमक्खी शहद इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो अभी इस वक्त मधुमक्खी नहीं देखने आए, हमें घोंघा देने आए हैं घोंघा। तो आगे वाली वीडियो में देखो, ये अपने भांजे हैं, एक ये दिख रहा, वो कम से ब्राइटनेस ज़्यादा है, वो कम दिखेगा क्योंकि है, और एक आगे चल रहा है भांजा, ठीक है। तो उनके साथ मैं घोंघा पकड़ने आया हूँ। घोंघा अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते तो वीडियो देखते रहो। नॉन वेज टाइप का होता है वो भी घोंघा, उसे पकड़ते हैं और फिर खाते हैं, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप अच्छी नहीं, अगर आपको नॉन वेज चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, क्योंकि नॉन वेज के लिए स्पेशल है, ठीक है। नहीं तो देखो कि घोंघा कैसे होता है, उसे कच्चा भी खाया जाता है, सब्जी बना के भी खाई जाती है। तो शुरू करते हैं। तो इस टाइम बारिश का मौसम हो रखा है और बहुत ज़्यादा स्लिप है, बारिश का ही मौसम हो रखा है और बगल में नेपाल पड़ता है, तो नेपाल से पानी छोड़ रखा है, तो यहाँ बाढ़ भी आ रखी है कई इलाकों में और बारिश भी लगातार 7 दिन से हो ही रही है, ठीक है। तो सारे खेतों में देखो आप, दूर दूर तक जितने खेत दिख रहे हैं ना, सारे में ऐसे ऐसे पानी भरा हुआ है। तो हमारे भांजे वो रे और मामा भाजा आए हुए हैं घोंघा पकड़ने। यार दिल्ली में ना बहुत दिन से दिल्ली में रह रहा था, ठीक है, और ये सब चीज़ें दिल्ली में मिलती नहीं, अगर मिलती भी है तो उनके प्राइस इतने ज़्यादा हाई होते हैं पूछो मत, ठीक है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कैसे पकड़ा जा रहा है और निकाला जा रहा है। भाई लोग ये है अपना भांजा, देखो इधर 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 इधर, ये है अपना भांजा और ये पकड़ेगा उस घोंघे को, ठीक है। तो बताइए अभी कैसे तुझे घोंघा पकड़ा जाएगा, ठीक है। एक और बता कैसे पकड़ेगा, कहाँ मिलता है घोंघा? घोंघा यही खेत सब में मिल जाता है आसानी से, इसलिए हम आपको पकड़ करके दिखाते हैं। ट्रेंड कर रहे हैं इसे भी, इससे भी वीडियो बनवाएंगे, तो ठीक है। अभी ये घोंघा मिलेगा, घोंघा कहाँ रखेगा? पन्नी है, पन्नी लेके आए हुए हैं, देखिए पन्नी। और घोंघा को कैसे खाया जाता है? उसे पहले गर्म पानी में उबाल करके तब उसमें थोड़े नमक मिर्ची डाल करके उसे हम लोग खाते हैं। सब्जी बनाते हैं या फिर ऐसे ही खा लेते हैं? नमक मिर्ची ऐसे ही भी खाते हैं और सब्जी बना करके, और कच्चा भी खा लेते हैं। जी कच्चा भी खा लेते हैं। तो खा के दिखाएगा, ये खा के दिखाएगा। तो चलो पहले ये पकड़ते हैं इसके साथ, ठीक है। और एक भांजा और आया हुआ है, वो देख रहा है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो अभी पकड़ते हैं साथ में। तो भाई लोग देखो, ये होता है घोंघा, दिखाइयो। हाँ ये चीज़ होती है घोंघा, ठीक है। एक सेकेंड दिखा दिखा, फोकस नहीं हुआ अच्छी तरह। और ये एक नॉन वेज टाइप का होता है, इसके अंदर मांस मिलता है, मांस रहता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ऐसे दिखा थोड़ा सा। हाँ ये होता है घोंघा। तो यहाँ 2-3 पड़े हुए हैं, अभी ये उठाएगा। और कहाँ है? और इन्हीं सब खेतों में होगा, देखो जितना मिलेगा मिलेगा, ये ढूंढेगा अभी। तो ढूंढ, तो अभी हमारा सनी गया था, लेके आया है कितने घोंगे, बढ़िया 3 ही घोंगे पकड़े हैं, क्योंकि ये बढ़िया वाले घोंगे, खोल के दिखा सकते हैं इसको। हाँ तो ये बढ़िया वाले घोंगे हैं। और इसके बाद हमारा जाएगा सुनील। सुनील अपने इलाके का टॉपर है। कौन सी क्लास में टॉपर है तू? मैट्रिक में। मैट्रिक नहीं, ऐसे हमारी भाषा में नहीं, मतलब जो हिंदी में, 12वीं में टॉपर है। और इसे सरकार की तरफ से फर्स्ट आया है अपने इलाके में, जो इनका एरिया जिला लगता है, इनमें फर्स्ट आया ये, ठीक है। तो इनका सरकार की तरफ से कितना पैसा मिलना था? 25,000 रुपये मिलेगा इनको, क्योंकि ये फर्स्ट आया अपने एरिया में 12वीं क्लास में, है ना। मतलब बिहार में तरक्की कर रहे हैं लोंडे, और तरक्की करने वाले लोंडे अपने घर से भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा भांजा लगेगा, खास भांजा लगेगा। वीडियो देखता है हमारी? हाँ भांजा तो देखेगा नहीं, ठीक है। तो अब ये अनिल पकड़ेगा, अनिल बाकी पकड़ेगा, क्योंकि ये इससे हो नहीं रहा, ये बढ़िया नहीं ढूंढ पा रहा, सिर्फ इसने 3 ही बढ़िया ढूंढे, बाकी अनिल पकड़ेगा, ठीक है। तो अनिल चल, हो जाए शुरू। ये घोंघा जितना है ना, ये सारे एक आरियों के ज़्यादातर किनारे पाए जाते हैं, और आरी आरी इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये धान उगा हुआ है अभी, ठीक है। तो ये धान, धान ही है ना नील, ये धान है ना। हाँ ये धान है, अभी इसको ना उखाड़ के इसमें बढ़िया तरीके से इसे दोबारा रोपाई कहते हैं, वो रोपाई होगी, देख रहे हो धान।
इसके किनारे किनारे अंदर भी होगा, इस पर अंदर जा इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये धान नुकसान हो जाएगा और हम लोग किसी का नुकसान नहीं करते, पर पूरे खेत में यहाँ दूर दूर तक पानी भरा हुआ है और वो गन्ने का खेत है। ठीक है, वो जितना भी आपको दूर तक दिख रहा है वो शायद गन्ने का खेत है। अनिल, गन्ना होगा उसमें, खाए? चल चलते हैं, फिर गन्ना भी खाते हैं, पहले इसकी वीडियो पूरी कर लेते हैं। तो भाई लोग, कुछ ये घोंगे पकड़े गए हैं क्योंकि ये अच्छे क्वालिटी के घोंगे हैं। ठीक है, खैर मुझे नहीं पता, ये लोग बता रहे हैं कि ये घोंगे अच्छी क्वालिटी के, उन्हें खाया जाता है। तो अभी हमारा एक छोटा उस्ताद तोड़ तू है, छोटा उस्ताद तोड़ के खाएगा। तोड़ चिंगम फेंक दे। क्या चीज खाई जाती है बता, इसमें से क्या चीज खाई जाती है अनिल, तू बता। इसमें से ये सब बाकी कचरा है, इसे नहीं खाया जाता है, और केवल ये मांस है, इसे अच्छी तरीके से धोकर खाया जाता है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है? इसे कच्चा भी खाया जा सकता है, या फिर आप बनाकर भी उबाल के सब्जी की तरह खा सकते हैं। तो कच्चा खा के दिखा, ये दिखाएगा हमारा छोटा उस्ताद, कच्चा खा के दिखाएगा। कैसा लगता है कच्चा, स्वाद कैसा लगता है? नहीं, कैसा स्वाद में कैसा लगता है, किस चीज का याद दिलाती है इसका स्वाद? जैसे कच्चा मांस खाते हो वैसा ही ये लगता है। अच्छा, जैसे मुर्गे उर्गे कच्चा मांस होता है उसी तरीके का लगता है ये? बढ़िया लगता है, मजा आता है, ताकत मिलती है मतलब। तो भाई लोग देखो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और कैंसर के बंदों के लिए खास तौर पे बहुत अच्छा होता है। यहाँ के डॉक्टर भी कहते हैं कि कैंसर के बंदे खाने चाहिए इसे। ठीक है, तो अभी हमने ये पकड़ लिया और उसके बाद देखो, मैं तो इस चीज़ को खाने वाला नहीं रहा भाई लोग, मैं इस चीज़ को तो नहीं खाने वाला रहा क्योंकि बचपन में मैंने खाया, ऐसी बात नहीं खाया है, पर अभी नहीं खाने वाला रहा मैं। ठीक है, इसे, और ये गिर गया, ये चलता है, इसके अंदर ये जो भी इसके अंदर जीव है जो घोंगा कहते हैं वो चलता है पानी में, और चल भी रहता, कहीं चल रहा था। ठीक है, तो उसको हमने उठा लिया है। तो अभी गन्ना खाने चलते हैं, अगर गन्ना मिल गया तो ठीक है, नहीं तो इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे देख लेना और एंड कर देंगे, और भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। अभी हम कल का प्लान बना रहे हैं, अगर बारिश नहीं हुई कल तो हम कल कहाँ जाएंगे? सीतामढ़ी जानकी मंदिर और पुनौरा धाम, हाँ ये सब जगह घूमने जाएंगे, इसकी भी वीडियो आएंगी, और फिशिंग भी करनी है हमें। तो अभी दो तीन दिन में यहीं हूँ, देखते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, तो अभी गन्ना खाने चलते हैं, वो भी चोरी का गन्ना, चोरी करके, क्योंकि खेत वाला तो है नहीं यहाँ। तो भाई लोग, इसके अंदर ना गन्ना छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, निकलेगा, खा तो सकते हैं, पर क्या है, छोटा गन्ना नहीं खाएंगे। आगे अभी ना एक बड़ा गन्ने का खेत है, उसमें बड़े बड़े गन्ने हो रहे हैं, तो हम आगे जाने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि इसका कैंसिल हो गया यार। बहुत छोटा गन्ना देख रहे हो, कितना छोटा छोटा है, गिरा। ठीक है, कितना छोटा छोटा है। तो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं, अगर वहाँ बड़ा मिल गया तो वहाँ भी खाएंगे, पर चोरी करके ही, क्योंकि बचपन में ये बहुत किया करता था, क्योंकि गन्ने का खेत वाला इस वक्त नहीं होगा, बारिश का मौसम हो रहा है और बूंदाबांदी भी हो रही है। ठीक है, तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो भाई देखो, ये रहे गन्ना। ठीक है, तो आगे से एंट्री है, एंट्री क्या है, यहाँ एंट्री एग्जिट कहीं से नहीं है, जहाँ से मर्जी वहाँ से घुस जाओ, पर अभी आगे से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़े बड़े गन्ने हैं। और भाई छोटे छोटे से यार कितना मज़ा आता, छोटे से तोड़ने में भी अजीब सा लगता, मज़ा भी नहीं आता, पर यहाँ के गन्ने बड़े बड़े हैं, एक आधा गन्ना जरूर उठाएंगे खाने के लिए। तो गन्ना भाई लोग खाया नहीं जाता, उसे चूसा जाता है। ठीक है, तो अभी संभल के जियो है। तो देखो, तेरी बहन आई, तेरी तो ओए कांटे में फंस गया पैर, बच गया, नहीं मेरा पैर फंस गया था कांटे में। तो ये देखो गन्ने का खेत है, और गन्ना कट चुका है, इसमें एक 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 लॉट कट चुका होगा ना इस गन्ने का, तभी इतना पतला हो रहा है, देख रहे हो, ये पतले पतले गन्ने हैं क्योंकि गन्ना कट चुका है, एक तोड़ लिया नीले वाला, देख लेटा हुआ है, हाँ ये निकाल ले, बढ़िया रहेगा। और कोई तोड़ ला, तीन गो तरबूज एक गो में, तो ये रहा भाई लोग गन्ना। तो ये गन्ने पतले हैं यार क्योंकि एक लोट इसका कट चुका है, कट के जा चुका है, तो ये दूसरा लोट होगा, इसमें कितने लोट निकलते हैं, तीन या चार? चार, चार लोट निकलते हैं। तोड़ो तोड़ो, अपने लिए भी तोड़ो, फिर चलते हैं। तू नहीं खाएगा सनी, तू खाएगा? तोड़ना फिर, मेरी शक्ल क्या देख रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ।
नहीं वो नहीं खाएगा, पकड़ इसको। देख रहे हो कैसे चोरी होती है खेतों में, गन्ना चोर अपने जिले का टॉपर गन्ना चोरी कर रहा है। चल ये वाला मैं लूंगा और सनी दूसरा लेगा। चलो भाई ऐसी वीडियो शायद ही आपने कहीं देखी होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी गन्ना खा ले, चूस लेते हैं यार। गन्ने का रस सुनने में तो आया बहुत मीठा है, तो अभी गन्ना साफ करते हैं। देख रहे हो गन्ने का पत्ता ऐसा होता है कि आपको हाथ भी काट सकता है, कपड़े तक काट देता है गन्ने का पत्ता, ऐसा होता है, इतना धार होता है उसमें। ठीक है यार, यार फिर से एक काटा आ गया, तो देखते रहो आगे की वीडियो। तो भाई लोग अब गन्ना खाया जा रहा है। पहली बार चोरी का माल बहुत ज़्यादा मीठा होता है, सिर्फ गन्ना ही। मैं थोड़ा सा गलत टाइम पे आया हूँ, लीची ख़त्म हो चुका है, आम भी लगभग ख़त्म हो चुका है, जो बचे कुचे आम है जो कि अभी दिल नहीं है उसे खाने का। कौन सा आम बचा होगा इस वक्त? कलकतिया और तो गंबा। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. भाई लोग यहाँ काफी देर से बैठे हुए थे क्योंकि एसी की हवा इसके आगे फेल हो चुकी थी। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है। इधर भी जंगल नहीं खेत है, इधर भी खेत उधर भी खेत, इधर जंगल जंगल नहीं है, जंगल मुंह से निकल गया मेरे। और हवा इतनी अच्छी आ रही है कि दिल कर रहा है सो जाए, पर ऐसा है घर पे बोल के आए थे, आ रहे हैं 5 मिनट में। तो वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।